जय हिंद। पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग घोड़े और खच्चर ऊंट वगैरह का प्रयोग करते थे। अभी बेसिकली 4 मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। आप रोड से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, शिप से जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। हवाई जहाज़ को सबसे फास्ट माना जाता है, लेकिन 5वां मोड अभी आ गया है, हाइपर लूप। ये हाइपर लूप बहुत तेज स्पीड से चलेगा। इसे लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पाइप के अंदर चलता है। एक लूप होता है, पाइप के अंदर चलता है। अब ये समझते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है, इसमें क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या खराबी होगी, ये वर्क कैसे करता है, और इंडिया में ये कब तक आएगा, और आएगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा इंडिया में। देखिए, किसी भी ट्रांसपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए दो सबसे बड़ी बाधा होती है। एक होता है फ्रिक्शन और दूसरा होता है एयर का ड्रैग, हवाओं का। अब जैसे कार वगैरह चलती है तो इस पे देखेंगे तो ज्यादातर तो जमीन का ये फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन इतना तेज होता है कि ये गाड़ियों को रोक देता है, जैसे कहीं पे भी ढलान पे चली गए तो रोक देता है वो, ये फ्रिक्शन। अब दूसरा होता है एयर ड्रैग, हवाओं का झोंका। आप देखिए, कार वगैरह अगर तेज चलाइएगा, हाथ निकालिएगा तो लगेगा हाथ को पीछे कर देगा। देख रहे हैं, इजरी को बाहर निकल के झाँक रही है, ये अभी उधी आ जाएगी, ये समझ में आएगा इसको। तो ये एयर ड्रैग है। एयर ड्रैग बहुत तेज होता है, पेड़ गिरा देता है। आंधी में देखते होंगे हवाओं का क्या गिरा देता है, पेड़ गिरा देता है। तो ये एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो यही दो समस्या होती हैं सब। इसी के वजह से किसी भी चीज़ में फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है या स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाती है, और अगर स्पीड होती है तो बहुत जल्दी वो चीज़ रुक जाती है। तो इन दोनों चीज़ को हटाने के लिए लाया गया हाइपर लूप का कंसेप्ट। हाइपर लूप में क्या किया जाता है, इसमें फ्रिक्शन और एयर ड्रैग दोनों को ख़त्म कर दिया जाता है। आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट होता है उसका एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अगर एक और साउथ रखेंगे, दूसरे और नॉर्थ रखेंगे तो ये चिपक जाएगा, अदरवाइज में ये नहीं चिपकेगा। अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ है तो भी नहीं चिपकेगा, दोनों साउथ साउथ है तो भी नहीं चिपकेगा। एक ही शर्त है चिपकने का, एक नॉर्थ होना चाहिए, एक साउथ। तो इसी का कंसेप्ट में क्या किया जाता है, जो लूप बनाया जाता है, जो लूप मतलब जो ट्यूब बनाया जाता है, उसकी जो अंदर की दीवारें होती हैं, ये जिस पोल की बनी होती हैं, मान लीजिए इसको भी नॉर्थ पोल का बना दिए, और इसके अंदर जो पॉड चलता है, जो गाड़ी चलेगी, इसकी भी बाहर दीवारों को नॉर्थ बना दिए, या फिर दोनों को साउथ बना दीजिए या दोनों को नॉर्थ बना दीजिए। ऐसा कर देने से दोनों एक दूसरे को ढकेलने लगेंगे और वो चिपकेंगे नहीं, एक तरह से कहिए कि वो हवा में तैरेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि इस पॉड में अगर मान लीजिए 20 आदमी भी हैं, 20 आदमी, तो आप अच्छा खासा इसका वेट हो जाएगा। आप 20 आदमी को ढकेल नहीं सकते, आप एक चौकी को नहीं ढकेल पाएंगे, एक खाली कार है जिसमें कोई नहीं उसको भी नहीं ढकेल सकते। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये नीचे की इसकी चारों ओर की जो दीवारें हैं, ये लूप जो है वो भी मैग्नेट का है, और सेम पोल से ये भी मैग्नेट का है। तो आप इस लूप को, ये जो अंदर जो गाड़ी होती है इसके अंदर पॉड जो बोलते हैं उसको हल्का सा ढकेलेंगे तो आगे चली जाएगी। वहाँ पर सोचिए कितने हजार केजी के पॉट को आप अगर हाथ से ढक लेंगे तो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम जमीन पर रख देते, जमीन पर आप आटे की बोरी जो 50 किलो का है उसको हाथ से रखेंगे तो नहीं ढकेल पाएगा वह, क्योंकि वहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। अब एयर ड्रैग को कैसे खत्म किया जाए, तो एयर ड्रैग को खत्म करने के लिए वैक्यूम पंप होते हैं। जैसे ये पाइप जिस लूप में ये ट्रेन चलती है ना, ये देख रहे हैं ये लूप है, इस लूप में जब ट्रेन चलती है तो साइड साइड में बहुत बड़े वैक्यूम पाइप्स लगे होते हैं। ये पाइप क्या करते हैं, एयर को सक कर लेते हैं। तो जो हवा आगे से काट रही थी उसे क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो ये वैक्यूम पंप जो होते हैं सब, ये हवा को खींच दिए सर, और मैग्नेट क्या किया, ऊपर उछाल दिया। तो ना इसके लिए फ्रिक्शन रह गया और ना ही इसके लिए अब किसी भी तरह का एयर ड्रैग रह गया। तो इस ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है और ना ही इसमें एयर ड्रैग है। अब इसके अंदर जो चलते हैं वो पॉड चलते हैं। पॉड जो होता है, जो एक छोटा सा कैप्सूल टाइप का होता है, इसमें 20-25 आदमी बैठेंगे जितनी इसकी कैपेसिटी होती है। ये ट्रेन की तरह नहीं होता है, एक एक बॉगी समझ जाइए उसकी तरह होता है। इसके अंदर बैठा जाता है, इस बॉडी के अंदर, इसके अंदर एयर होता है, जिस तरह हवाई जहाज के अंदर ऑक्सीजन होता है ना हवा, तो इसके अंदर एयर वगैरह रहेगा। इसको अंदर डाल के बंद कर दिया जाएगा। बंद करेंगे तो हवा तो साथ में चली जाएगी, तो बंद करने के बाद इधर जो वैक्यूम पंप लगे हैं वहाँ से हवा को निकाल दिया जाएगा। तो बाहर हवा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनके लिए हवा है, अंदर पर्याप्त हवा रहती है इसके अंदर। इसको बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद रेडी कर दिया जाएगा। अंदर का जो डेकोरेशन होता है वो इसी टाइप का देखने को मिलता है। अभी सबसे पहले इसे लॉन्च किया जाएगा, देखिए लॉस वेगास में तो अभी स्टार्ट हुआ है, ह्यूमन ट्रायल कर लिया गया। वर्जिन हाइपरलूप के जो थे उन लोगों ने पहली बार, इन्हीं दोनों लोग ने इसका ह्यूमन ट्रायल किया है। ये इसका इंटीरियर लुक है, ये दुबई में जो लाया जाएगा ये उसका लुक है। तो पॉड के अंदर इस तरह से लोग बैठेंगे, वो ट्रेन की तरह नहीं होगा, एक बॉगी के जैसे होगा वहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या काम करता है, समझिए ध्यान से। इसमें एक लीनियर मोटर होता है, लीनियर मोटर इसे आगे ढकेलता है।
गोल घूमने वाले मोटर जो आप तो जानती है, लीनियर मोटर उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को आगे ढकेलता है। तो इसमें एक लीनियर मोटर लगा रहेगा जो इस कंटिन्यूस आगे क्या करेगा, ढकेलते रहेगा, फ्रिक्शन है नहीं, तेज़ी से भागेगा। लेकिन इसका जो वैक्यूम पंप है जो हवाओं को खींच लिया है लेकिन कुछ ना कुछ हवाओं को वो छोड़ देता है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके आगे एक फैन लगाया जाएगा। वो फैन क्या करेगा, आगे से हवाओं को खींच के पीछे की ओर फेंक देगा, जिससे क्या होगा वो तेज और चलने लगेगा। आप कहेंगे कि सर फैन लगाने से तो बेवकूफ़ी है, और रियल में भी दिख रहा है, जब वैक्यूम पंप ने पूरी की पूरी एयर को सक कर लिया है, लगभग 95-96% एयर को सक कर लिया है, तो फिर इसका इस फैन का काम क्या है भाई साहब, यही ब्रेक का काम करेगा उसमें। जब कभी भी रोकना है ना, तो इसीलिए 100% वैक्यूम नहीं छोड़ा जाता है, 90% ही हवा निकाली जाती है, 10% हवा रखना है कि उसी के बदौलत हमें ब्रेक लगाना है। तो आगे भी फैन रहते हैं और पीछे भी फैन रहते हैं, जब इसे चलना है तो ये ठीक डायरेक्शन में चलते हैं, रोकना है तो इसमें तो ब्रेक है नहीं क्योंकि इसमें चक्के नहीं रहते हैं, चक्का रहेगा तो फिर तो ये तो घर्षण करने लगेगा, तो हवा में तैर रहा है, तो इसी फैन को जब उल्टा घुमाते हैं ना तो वो रुकती है वहाँ पर, वो वहाँ पर रुक जाता है, अदरवाइज में रुकेगा ही नहीं। तो ये फैन लगाना बेवकूफ़ी नहीं है भाई, बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर बनाए हैं, सब बेवकूफ़ी कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से ये चलेगा, और इसमें बिजली बहुत ही कम चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन रहेगा तब ना कंटिन्यूस मोटर चलाना है, एयर ड्रैग है नहीं, तो बिजली बहुत कम है। अभी आगे जाके जब ये बनाया जाएगा, जब ये बन के तैयार होगा, तो आप देखिएगा इसकी बिजली अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के ऊपर क्या करेंगे लोग, सोलर पैनल लगा देंगे, क्योंकि ये तो ब्रिज के ऊपर से जाता है, तो सोलर पैनल लगा देंगे, और उसी सोलर पैनल से दिन के समय डायरेक्ट चला देंगे, रात के समय इसकी बैटरी को, इससे बैटरी चार्ज करके लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदेमंद होगा जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, तब इसे जहाँ तक ले जाना रहेगा ये लूप जाएगा, ये लूप जो देख रहे ना पाइप की तरह, ये पाइप बहुत पतला नहीं रहता है, कमरे बराबर होता है पाइप, उसके अंदर वो ट्रक एक बस के बराबर पॉट जाएगा, वहाँ पर वो उसी के अंदर जाएगा, जहाँ तक आपको ले जाना है आपको ये लेकर ही जाना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट 200 साल पहले पुराना है, जर्मनी ब्रिटेन में इसे पहली बार लगाया गया था जब औद्योगिक क्रांति के समय था, लेकिन बाद में वो उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन इधर जो था उलन मुस्क जो है, ये टेस्ला कंपनी के मालिक है, स्पेसएक्स इनका जानते हैं, इन्होंने इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इलोन मुस्क ने 2013 में ये कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा और इन्होंने अच्छे से समझाया, क्योंकि 200 साल पहले जब ब्रिटेन के इंजीनियरों ने इसे बनाया था तो उस समय वैक्यूम पंप वगैरह उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अच्छे से समझाया, और इसके लिए कोई उन्होंने कॉपीराइट वगैरह नहीं कराया, इसलिए ओपन सोर्स है, आप भी चाहें तो अपने घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा है, एक ग्रीन फील्ड में इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा काम करती है सोलर एनर्जी वगैरह में, टेस्ला मोटर्स इनका अपना गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, और उस पर बाद इनका स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष में है, हर चीज़ है, इनके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा भाई साहब, ये बहुत महान व्यक्ति है, इनका क्या कहना है मत पूछिए, ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है हम लोग के लिए। लेकिन वर्जिन हाइपर लूप जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, सिद्धांत इन्होंने दिया ये अभी बिजी है, वर्जिन एयरलाइंस चलती है यूरोप में, उन्हीं का है वर्जिन हाइपर लूप, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो ये सेम कंसेप्ट को ले आके बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, 2014 से ये काम कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में इनके मतलब वर्किंग चालू है ताकि इसे यूज में लाया जा सके इस हाइपर लूप को। देखिए इस हाइपर लूप के कुछ फ़ायदे भी होंगे तो कुछ घाटे भी होंगे, तो फ़ायदा हम लोग पहले समझ जाते हैं, फ़ायदा ये होगा कि इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा, बारिश हो रहा है, गर्मी हो रहा है, धूप है, कोई मतलब नहीं, बाहर क्या है कोई मतलब नहीं, ये तो पॉट के अंदर चल रहा है, अंदर से मौसम में क्या मतलब है। दूसरा फायदा है कि इससे जीव जंतु कम मरेंगे, ट्रेन से देखते हैं कभी बकरी कट जाएगी, कभी गाय भैंस हाथी तक टकरा जाते हैं, अगर कोई वन्य जीव से निकलती है ट्रेन, तो इसमें जीवों की दुर्घटना नहीं होगी, पर्यावरण को कोई लॉस नहीं होने वाला इससे, ना कोई धुआं निकलेगा, ना कार्बन उत्सर्जन होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इससे, और लेस एनर्जी है, ऊपर से सोलर से चार्ज होकर नीचे चल जाएगा, तो पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली है, जो अभी हम लोग पर्यावरण की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस इसमें बहुत कम है, ना बराबर है, क्योंकि घिसावट है ही नहीं है, तो फिर घिसेगा किस चीज के, मेंटेनेंस की सबसे बड़ी समस्या घिसावट के लिए था, आपका टायर क्यों घिसता है घिसावट के लिए, इंजन में मोबिल क्यों डालते हैं घिसावट कम करने के लिए, हर जगह तो समस्या ग्रीसिंग मोबिल घिसावट के लिए, तो फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो मेंटेनेंस कम है, जब मेंटेनेंस कम है तो इसका किराया बहुत ही कम रहने वाला है, और स्पीड तो मजबूत है भाई साहब, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, जो जहाजें चलती हैं हम लोग की कमर्शियल वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो ये हवाई जहाज से भी तेज चलने वाला है, पांचवा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ तो खराबी भी होती है, इसकी कुछ खराबी है उसको समझिए। पहला
कि जब आप इसे स्टार्ट कीजिएगा तो शुरुआत में हैवी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम लोग ज़मीन पर नहीं ले जाते हैं, कि ज़मीन पर ले ही नहीं जा सकते, ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, तो उसके लिए हमें ब्रिज पर ले जाना पड़ता है। तो पहले ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, करोड़ों की खर्च आएगा। ये अलग बात है कि एक बार जब ये लग गया तो उसके बाद पैसे बहुत कम लगेंगे। तो भाई साहब रेलवे में भी बिछाने में क्या कम पैसा लगता है, रेलवे में भी तो करोड़ों रुपये लगते हैं, ट्रैक बिछाओ, ये करो वो करो। तो इसमें एक चीज़ है इन्वेस्टमेंट। दूसरा है कि इसमें पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज है कि इसे बहुत सीधा रखना मजबूरी है। अब सीधे में कोई जंगल आ गया, पेड़ आ गया, काट दो वहाँ पर, तो खैर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप वहाँ से पेड़ काट देते हैं तो इसके अगल बगल में लगा भी दीजिए, उसी लगले सही हो जाएगा यहाँ पर, तो पेड़ को लॉस होगा। दूसरा, इसमें इसके अंदर प्रेशर बहुत कम रहेगा, हालांकि स्पॉट के अंदर प्रेशर रहेगा लेकिन ट्यूब में प्रेशर कम रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो इंसान ज़्यादा सफ़र करने के आदी नहीं है तो उनको हल्का कान में दर्द वगैरह, वोमिटिंग महसूस होगा। ये तो जहाज़ में भी महसूस किया जाता है, तो सेम यहाँ भी होगा, नॉर्मली होता है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। इसमें समस्या ये है कि अगर ब्रेक काम नहीं किया या इमरजेंसी में रोकना हुआ तो ससुरा दिक्कत हो जाएगा। इतना तेज स्पीड है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा इतना तेज स्पीड है, जिस वजह से ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। अब खुद सोचिए, हिंदुस्तान को आर पार कर जाएगा 3 घंटे में, कश्मीर से कन्याकुमारी 3 घंटे में, 12x36 3 घंटे में आर पार कर जाएगा। सोचिए कितना ज़बरदस्त इसकी स्पीड रहेगी। तो ये एक समस्या इसमें बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब इसमें कोई भी सफ़र आप मिनटों में कर सकते हैं। अगर आपको जाना है मुंबई से पुणे तो जो 3 घंटे लगते थे ये उसको तय करेगा 22 मिनट में, कट से पहुंचा देगा। इसमें एक और समस्या क्या है कि इसमें केवल एक पॉड जा सकते हैं, ट्रेन की तरह बॉगी दर बॉगी जोड़ के लंबा नहीं कर सकते, एक एक पॉड जाएगा, यानी एक चला गया ना तो उस रास्ते पे जब दूसरा तब तक नहीं जाएगा जब तक वो पहुंच नहीं जाता है। तो एक गया तो फिर अगला, मान लीजिए 20 मिनट का रास्ता है तो अगला 20 मिनट उसके पीछे जाएगा, ये फिलहाल की है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी कोई चीज़ का इनोवेशन होता है ना, आप खुद देखिए, जब पहली मोबाइल आई थी ससुरा इतना बड़ा था, लोढ़ा बराबर, और आजकल का मोबाइल देखिए, तो ये शुरुआत में भले ये है कि एक पॉट है लेकिन आगे जाकर इसमें नए नए खोज होंगे और ये एक लंबी ट्रेन का रूप ले सकता है आगे जाकर। जब मोबाइल बना था तो किसी को नहीं पता था कि एंड्रॉयड और आईफोन इतना तगड़ा मार्केट कब्जा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इसमें भूकंप को लिया जा रहा है। देखिए, जब कभी भी आपकी गाड़ी की स्पीड कम रहती है ना, हल्का झटका भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा भी झटका लगाएंगे तो बहुत तेज मारेगा स्पीड की वजह से। तो इतना तेज ये भाग रहा है, उसमें हल्का झटका मार देंगे भूकंप से तो तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क दुर्घटना की है। किसी भी वजह से अगर दुर्घटना हुआ तो एरोप्लेन में और हाइपरलूप में स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसमें लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि एरोप्लेन से ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अगर एरोप्लेन गिरा ना भाई साहब, बचने का चांस बहुत कम है, ना बराबर है वहाँ पर। हाँ, लैंडिंग के वक्त फिसल उसल गया तो बच सकते हैं, जैसे कोझिकोड में ऊपर गया तो सीधे गए। इसमें क्या है कि अगर हम पॉड को मजबूत बना दें, अंदर सीट बेल्ट ज़्यादा कर दें, तो संभावना एरोप्लेन की तुलना में मरने कि इसमें बहुत ही कम है। भारत में ये मुंबई से पुणे के बीच में चलने के लिए था, वर्जिन हाइपरलूप इसको बनाने की तैयारी में थी। उस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, इन्होंने इसे अप्रूवल दिया था। लेकिन जब सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे साहब की जब सरकार आई, तो इसमें इस प्रोग्राम को रोक दिया गया और कहा गया कि यह बहुत खर्चीला है, इसे किसी अन्य देश में या किसी अन्य स्थान पर ट्रायल किया जाए, अगर सक्सेस हो जाएगा तो हम भी ले आ देंगे। बुलेट ट्रेन भी हमारे यहाँ ट्रायल तो हुई नहीं थी, ना ही मेट्रो हमारे यहाँ ट्रायल हुई थी, ये विदेशों में ट्रायल हुई तो सक्सेस हम लोग हो गए, तो यहाँ लगे। देखिए, हमारा अपना मानना है कि भारत को जो बुलेट ट्रेन है ना भाई साहब, देखिए बुलेट ट्रेन जो भारत में लाया जा रहा है, अच्छी बात है आप लाइए, क्योंकि देश में हमारा भी नाम होगा विदेश में जाएंगे तो। लेकिन अगर आप गहराई से सोचिएगा ना, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। रीज़न क्या है कि बुलेट ट्रेन हमेशा बड़े शहरों को होकर गुजरेगी, छोटे मोटे गांव से तो जाएगी नहीं, फिर बुलेट रहेगी क्या, किस काम की, लंबे लंबे रूट पर जाएगी। तो जितने बड़े शहर हैं वहाँ ऑलरेडी हवाई जहाज़ की फैसिलिटी है वहाँ पर, तो आप जहाज़ से तो जा ही सकते हैं, दोनों का किराया सेम है, दोनों की टाइमिंग भी सेम है, जल्दी वही पहुँचाता है। जितने बड़े शहर में बुलेट ट्रेन ले जाएंगे वहाँ ऑलरेडी है। मेरे हिसाब से जो भारत की ट्रेन है, इसी को टाइम से कर दीजिए भाई साहब, अगर ये टाइमली निकलने लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। सिंपल आपको ट्रेन की बदहाली का एग्जाम्पल देते हैं कि मुगल सराय जो स्टेशन, जिसका अभी दीनदयाल उपाध्याय नाम हो गया है, तो मुगल सराय स्टेशन से बनारस यानी वाराणसी के स्टेशन के बीच की दूरी में है 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रेन तय कर सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर एक ट्रेन को वहाँ 1 घंटे लगते हैं। आप शेड्यूल टाइमिंग देखिएगा ना नेट पर, शेड्यूल टाइमिंग, कोई ट्रेन अगर बनारस में 1 बजे है तो मुगल सराय में वो 2 बजे मिलेगी, और वहाँ 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। ये बदहाली है। तो हमारे यहाँ ट्रेन की स्पीड कम नहीं है, सोच रहा मैनेजमेंट खराब है। हर साल
वित्त रेल मंत्री आएंगे इस साल 5 ट्रेन चलाया जाएगा 10 ट्रेन चलाया जाएगा। ससुर ट्रैकवा वही है, कभी सुने हैं कि वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल 2 ट्रैक की जगह 4 ट्रैक किया जाएगा? तब ना होगा, कंजम्पशन इतना ज़्यादा है। ये हाल हो जाता है कि अगर भारत में किसी विद्यार्थी का जो बिहार से चला है दिल्ली एग्जाम देने के लिए, अगर कोई ट्रेन कहती है कि हाँ उसे 8 बजे सुबह दिल्ली छोड़ेगी और उस लड़के का शाम 4 बजे एग्जाम है ना, तो वो लड़का उस ट्रेन को नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि सुबह 8 बजे की ट्रेन की कोई गारंटी नहीं है कि वो शाम 4 बजे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो भारत के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी ट्रेनें इतनी लेट है, और रोडवेज का तो पूछिए मत। हमारे यहाँ जाम इतना लगता है ट्रांसपोर्टेशन पे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका डेवलप है, बल्कि रियलिटी ये है कि अमेरिका डेवलप ही हुआ इस कारण कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। और ये हकीकत है, हमारे यहाँ सड़कें बहुत ख़राब है। अगर आपको 200 किलोमीटर जाना है ना इंडिया में, 200 किलोमीटर तो आपके लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए 200 किलोमीटर के लिए। लेकिन अगर वही जाना है आपको अमेरिका या यूरोप किसी डेवलप कंट्री में, तो 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, हकीकत में 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा। तो भारत में रोडवेज और इनको ज्यादा ध्यान देना बेहतर है। आप उत्तर प्रदेश सरकार का एग्जांपल ले लीजिए, एक्सप्रेसवे भर दिए उन्होंने, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस हो, पिछली सरकार को भी देखिए यमुना एक्सप्रेस हो या ग्रीनफील्ड हो, और वर्तमान में भी देख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, रिंग एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इतना भर दिया गया एक्सप्रेसवे को कि अभी ये उत्तर प्रदेश से बाकी राज्यों को सीखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन को बेहतरीन कीजिए, आप अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, वरना कोई नहीं जा पाता है। हम लोगों को पटना जो है, पटना से हाजीपुर महज 15 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा से पहले कोई तय ही नहीं कर सकता है। हमारे सामने पटना और हाजीपुर के बीच में जब जाम लगा था तो एक एम्बुलेंस में एक आदमी मर गया, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन केवल 1 घंटे का था और मेरे सामने वो गाड़ी में फंसा हुआ था लगभग 3 घंटे से, एम्बुलेंस तक निकलने की जगह नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबको ध्यान देना चाहिए। और भारत में जाम की जो समस्या है वो लोगों की बेवकूफ़ी से फंसता है, मोटरसाइकिल वाला लेकर घुस जाता है से यहाँ से सुरा के लिए चल जाए यहाँ पे, अपने को हाइपर लूप समझ ले सब। खैर, आई होप आप इस हाइपर लूप को समझ गए होंगे, बाकी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होती रहती हैं, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, तो आप हाइपर लूप का कंसेप्ट समझ गए होंगे। दीपावली को आप बहुत अच्छे से मनाए होंगे, 3 दिन तक हमने भी खूब दीपावली मनाया, लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ खूब दीपावली मनाए, 3 दिन कंप्लीट रेस्ट लिए, लड़कों के साथ हम लोग गेम वेम खेल रहे थे, फ्री फायर हम बहुत जबरदस्त खेले, 8 किलिंग किए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, देखिएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इतना खतरनाक कैसे खेल सकते हैं। खैर, मिलेंगे अगले क्लास में, जय हिंद।